उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए वो तमाम रणनीति अपना रही है। जिस रणनीति को अपनाकर वो चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर सके। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, चुनावों के बीच में एक बड़ा नाम और सामने आ रहा है। जी हाँ, वो है अपर्णा यादव का। बीजेपी में काफ़ी समय से जुड़ी अपर्णा यादव को अभी तक पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि अपर्णा को जल्द ही बड़ी जगह मिल सकती है और उन्हें चुनाव प्रचार में उतारा जा सकता है। जी हाँ, कैसे? मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक कद अब बढ़ रहा है। बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। और क्या है अपर्णा यादव का अभी तक का जीवन का सफ़र, कितनी संपत्ति है उनके पास में, ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को बताएंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा की ज़िंदगी से जुड़े वो तमाम बड़े राज जिसे लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। अपर्णा का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार रहे। उनके पिता को सपा की सरकार में सूचना आयुक्त बनाया गया था। वहीं उनकी मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी। स्कूल के दिनों में ही अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात हुई थी। अपर्णा की स्कूली शिक्षा लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई। अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली। अपर्णा और प्रतीक की सगाई 2010 में हुई थी, जबकि दिसंबर 2011 में दोनों की शादी हो गई। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। अपर्णा यादव ने साल 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। तब उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2017 के चुनाव नतीजों के बाद अपर्णा अक्सर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रही हैं। वह गौवंश के संरक्षण के लिए भी लंबे समय से आवाज़ बुलंद करती रहीं। राम मंदिर के लिए भी अपर्णा ने 11 लाख रुपए का चंदा दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक अपर्णा का नाम 22.96 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। तब उन्होंने 1.26 लाख रुपए कैश दिखाया था। अपर्णा के नाम 2 गाड़ियां हैं, पहली 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार और दूसरी 1.26 लाख रुपए की एक बाइक है। अपर्णा ने अपने पति प्रतीक यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को करीब 24 लाख रुपए का लोन भी दिया है। अपर्णा के पास 30.50 लाख रुपए के एग्रीकल्चर लैंड और 27 लाख रुपए की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। 2.50 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग और 3.20 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी अपर्णा के नाम है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी देकर न सिर्फ एक बड़ा कार्ड खेलती नजर आएगी, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अपर्णा के सारे बीजेपी क्या आगे का चुनावी रास्ता भी तय करेगी।